1985 से लेके शुरू है और आज तक 2021 तक ये महाराष्ट्र शासन का झोपड़पट्टी निर्मूलन का प्रोग्राम शुरू है। इस स्कीम में 10 साल घर बेचने का नहीं, ऐसा कानून है, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ अड़चन से बोल रहे और कुछ प्रॉब्लम से लोगों ने ये व्यवहार किया है। ये सही बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों ने व्यवहार किया है, ये कोई बचाने की बात नहीं, लोगों ने पैसा लेके अपना घर खरीद लिया है। लेकिन इसके बारे में कोई एक कानून का उल्लंघन हुआ ऐसा करके कोर्ट में एक याचिका दाखिल है और ये याचिका जो कुछ ऐसा को उसने कुछ निर्देश दिया मुझे पता नहीं, लेकिन कल उप जिला अधिकारी ने ऐसे लोगों को नोटिस दिया है 24 घंटे के अंदर आप रूम खाली करो नहीं तो जबरदस्ती पुलिस से रूम खाली करवाएंगे। मैं आपको एक नोटिस भेजता हूँ। तो मैं कल माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब उनको मिला, उनको मैं प्रस्ताव दिया है कि इसके पहले भी गृह निर्माण विभाग को महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड ने झोपड़पट्टी पुनर्वसन मंडल ने एक प्रस्ताव दिया है कि ये जो नियम है अट है 10 साल की वो 5 साल करो, वो भी अगर वो प्रस्ताव शासन के विचार वो भी होता है तो उसमें से 75% का लोन ऑटोमेटिक उनको संरक्षण मिल सकता है। दूसरा मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ऐसा दिया है कि अगर तुम माड़ा में संक्रमण शिविर में जो ऐसे अपात्र अनधिकृत घुसखोर लोगों को संरक्षण देने का काम किया आपके सरकार ने, उसके एक पॉलिसी निकाली है, अगर उनको आए तो एसआरए वाले को क्यों नहीं चाहिए, तो इसका भी आप ऐसा नहीं ऐसा इसका भी एक पॉलिसी बना, ऐसा भी मैं प्रस्ताव दू। और तीसरा ऐसा प्रस्ताव यह है कि दंडात्मक कुछ कार्रवाई करके आप अगर उनको आप संरक्षण दे सकते हैं, इतने सारे लोगों को बेघर करना बराबर नहीं है मानवता के दृष्टिकोण से, तो इस प्रस्ताव का सकारात्मक विचार करने की आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने हमें दी है और वो संबंधित अधिकारी के पास भेजा है। तब तक इसके ऊपर कार्रवाई होना नहीं चाहिए, इसलिए हम हमारे खासदार अनिल देसाई के साथ आज प्राधिकरण एसआरए प्राधिकरण के सीओ को मिलने जा रहे हैं 4 बजे, हमारे सब कोई आमदार रहेंगे, विभाग प्रमुख मिलकर रहेंगे और ये इनको संरक्षण देने की हम लोग मांग करेंगे। बेघर लोकांना घर देण्याचा प्रयत्न करतोय, संक्रमण शिबिरातील लोकांना आपण घर देण्याचा प्रयत्न करतो, त्यांना बेघर करण्यापासून वाचवतोय, मग या एसआरए मध्ये सुद्धा याच माध्यमातून लोकांना, कारण हे लोक राहतात तिथे 15-15 वर्षे, त्यांच्या मुलांच्या शाळा आहेत, त्यांच्याकडे डॉक्युमेंट आहेत, रेशनिंग कार्ड आहे, आणि म्हणून शासनाने याच्यावर की ह्या कायद्यामध्ये शिथिलता आणावी। आम्ही गृहनिर्माण एसआरएने यापूर्वी 5 वर्षांची अट करा अशा प्रकारची मागणी केलेली आहे, ती मागणी शासनाने मुख्यमंत्र्यांनी मंजूर करावी आणि याच्यातून आणखी एक कुठला तरी मार्ग काढू। मग त्याच्यामध्ये आम्ही 2 मार्ग सुचवले, एक दंडात्मक कारवाई करा आणि या एसआरएतील असे कोण लोक राहतात त्यांना बेघर न करता त्यांना संरक्षण शासनाने द्यावा अशा प्रकारची मी मागणी केली आहे आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांनी तो माझा जे प्रस्ताव आहे तो विचाराधीन आणण्यासाठी संबंधितांना त्यांनी तिकडे पाठवलेलं आहे आणि आज आम्ही माननीय खासदार अनिल देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई शहरातील विवाहित आमदार आम्ही एसआरएच्या शिवोना भेटून आम्ही त्यांनाही आज भेटून आमची जी काही भूमिका आहे ती आम्ही त्यांच्यासमोर मांडणार आहोत।